आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सबकी प्यारी और फेवरेट राजू दीदी के बारे में, जिन्हें करते हैं आप लोग बहुत ज्यादा पसंद। राजू दीदी के फैंस की कमी नहीं है। राजू दीदी और परनास की कहानी तो आज हर कोई जानता है। क्या आपको पता है राजू दीदी ने किससे की है शादी और किसने भर दी है राजू दीदी की मांग? आपको क्या लगता है, राजू दीदी को दूसरी शादी करनी चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। सबको हंसाने वाली राजू दीदी की कहानी बहुत ही ज्यादा दुख भरी है, जो अपने चेहरे पर हमेशा स्माइल रखती हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत ही ज्यादा दर्द है। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इमोशनली। आप राजू दीदी की कहानी सुनकर रोने लगेंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे राजू दीदी की किसने मांग भरी है। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नई नई स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सारा। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तेरे इश्क पे हाँ, हक मेरा। राजू का फुल नेम राजविंदर कौर है और प्यार से लोग इन्हें राजू दीदी कहकर बुलाते हैं। 13 जुलाई 1991 को चंडीगढ़ पंजाब के एक छोटे से गांव तारन तारा में इनका जन्म हुआ, जिन्हें आप सब लोग राजू दीदी के नाम से जानते हैं। तो अब बात कर लेते हैं राजू दीदी की फैमिली के बारे में। राजू दीदी एक बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करती थीं और इनके पापा भी नहीं थे। इनकी मम्मी ने इनकी परवरिश अकेले ही की है। राजू की मम्मी दूसरों के घर पे काम करके अपने घर का गुजारा करती थी और इसीलिए वो राजू दीदी को पढ़ाई नहीं करा सकी, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे, इसीलिए राजू दीदी अपनी पढ़ाई नहीं कर सकी। राजू दीदी की मम्मी राजू दीदी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। वो उन्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहती थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। और फिर उन्होंने सोचा क्यों ना उनकी शादी कर दें, शादी के बाद शायद उनकी किस्मत चेंज हो जाए और उन्हें वो सारी खुशियाँ मिले जो उन्हें मिलना चाहती हैं। और इसीलिए राजू दीदी की मम्मी ने उनकी कम एज में ही शादी कर दी। मैनू जिंदगी दा पता नहीं हो चलदा। शादी के कुछ साल बाद राजू दीदी के 3 बच्चे हो गए। राजू दीदी के पति उनके साथ बहुत ही ज्यादा रूडली बिहेव करने लगे, उन्हें मारते पीटते और उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करने लगे। ये सब कुछ उनके बच्चे भी देखते थे और उन्हें देख देख कर रोते थे। राजू दीदी इन सब से बहुत ज्यादा परेशान होने लगी और उनकी लाइफ में दूर दूर तक खुशियाँ कहीं नहीं थी। और राजू दीदी की जिंदगी पहले से भी और ज्यादा बेकार हो गई। वो रोती रहती और परेशान रहने लगी। राजू दीदी ने अपने पति की बदतमीजियों को कई सालों तक झेला और उनके अंदर सहन करने की क्षमता अब खत्म हो चुकी थी। और उसी समय राजू दीदी की मम्मी की तबीयत खराब हो गई और राजू दीदी अपने 3 बच्चों को लेकर अपनी मम्मी के पास चली आईं। और इसके बाद राजू दीदी ने डिसाइड किया कि वो अपने पति के पास अब कभी नहीं जाएंगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, राजू दीदी ने सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और क्या राजू दीदी को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए अपने बच्चों की खातिर? राजू दीदी की मम्मी परनास के यहाँ काम करती थी, लेकिन उनकी तबीयत खराब थी, इसीलिए राजू दीदी को परनास के यहाँ काम करने जाना पड़ा। राजू दीदी को अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए परनास के यहाँ काम करने जाना पड़ा। और इसके बाद राजू दीदी की लाइफ में होती है खुशियों की एंट्री। परनास के आने से राजू दीदी की लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गईं। परनास पहले से ही टिकटॉक पर वीडियोस बनाते थे। परनास को एक्टिंग करना बहुत ज्यादा पसंद था। परनास पहले अपनी सिस्टर के साथ टिकटॉक पर वीडियोस बनाते थे, लेकिन उनकी वीडियोस पर ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं आता था। और एक दिन परनास ने राजू दीदी से कहा क्या उनके साथ वो वीडियो बनाएंगी। और राजू दीदी को भी बचपन से एक्टिंग और डांस करने का बहुत शौक था और राजू दीदी ने हाँ कर दी। परनास और राजू दीदी ने एक साथ वीडियो बनाई और वही वीडियो उनकी रातों रात तेजी से वायरल हो गई। राजू दीदी और परनास की सारी वीडियो वायरल होने लगी और देखते ही देखते परनास के टिकटॉक पर मिलियंस में फैन फॉलोइंग हो गई। पर इसके बाद टिकटॉक इंडिया से बैन हो गया और लोग परनास और राजू दीदी को हस्बैंड वाइफ समझने लगे और इनके रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने लगे। इसके बाद परनास ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब ज्वाइन कर लिया और यूट्यूब पर वीडियोस बनाने लगे। और फिर एक दिन परनास ने यूट्यूब पर लाइव आकर बताया कि उनका और राजू दीदी का रिश्ता भाई बहन का है और वो राजू दीदी को अपनी सिस्टर मानते हैं। दोस्तों, आपको परनास और राजू दीदी की जोड़ी कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तनु इतना मैं प्यार
परनाज दिल के बहुत अच्छे हैं और वो राजू दीदी की बहुत ज्यादा इज्जत और केयर करते हैं और उनके बच्चों की भी जिम्मेदारियां उठाते हैं और अपनी अर्निंग का आधा हिस्सा राजू दीदी को देते हैं, जिससे कि वो अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सके और उन्हें वो सारी खुशियाँ दे सके। राजू दीदी को आज हर कोई जानता है और राजू दीदी जानी मानी सोशल मीडिया स्टार बन चुकी हैं। जब राजू दीदी के पति को ये बात पता चली तो वो उन्हें लेने आए, पर राजू दीदी ने मना कर दिया कि वो उनके पास कभी नहीं जाएंगी और ना ही अपने बच्चों को जाने दिया। राजू दीदी को अपने पति की जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उन्होंने उनका साथ नहीं दिया और जैसे ही उन्हें सक्सेस हासिल हुई तो वो उन्हें लेने आ गए। आपको क्या लगता है, राजू दीदी को जाना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों, आपको क्या लगता है, राजू दीदी को अपनी दूसरी शादी कर लेनी चाहिए या नहीं, अपनी राय जरूर देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। राजू दीदी आपको कैसी लगती हैं, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू गाइस। मैनू नहीं पता तेरा मेरा की रिश्ता, पर तेरे बिना मेरा दिल नहीं।